मॉम, सनीम घर पर है? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, मेरे साथ ही थी, लेकिन फिर वो अयान के साथ बीच पर जाने वाली थी। मुझे फिक्र हो रही थी वो घर पर पहुंची या नहीं। लगता है वो आती होगी या अयान के घर रुकी होगी। अब उसे वहां रुकने की क्या जरूरत है? हाँ, उसका घर यही तो है, उसे कह दो कि घर आ जाए। खैर, आप लोग क्या कर रहे हैं और डैड कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पापा यहाँ पर हैं, आज प्लम्बर बन गए हैं। नल से पानी बह रहा था तो खुद ही रिपेयर करने लग गए। क्या होगा पता नहीं। डैड, आप वहाँ पर? वहाँ क्या कर रहे हैं आप? कैसी हो बेटा? मैं बस यहाँ पर ये नल ठीक करने के लिए आया था। देखो ना, कब से परेशान कर रहा है। घर गीला कर दिया। क्या हो रहा है ये? वाह, क्या रिपेयरिंग की है तुमने निहाल। क्या बात है, देखो तो सब कुछ ठीक हो गया। वाह, तुम तो बहुत अच्छे प्लम्बर हो। क्या बात है, क्या हुआ? सब कुछ समझ नहीं आ रहा। हम क्या कर रहे हैं? अब मैम की बहन है तो सब ठीक कर देगी, इसमें घबराने की क्या बात है। मैं हूँ ना। ठीक है मॉम, प्लीज शांत हो जाइए। डैड, आप बाहर आइए, आप बाहर आइए, प्लीज आइए। मैं आपकी मदद करती हूँ, प्लीज। अब सब पानी हो गया है, बाहर आ जाओ। It smells so good. अच्छा सुनो, मीट तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वैसे तुम ड्रिंक्स में क्या लोगी? तुम वाइन पीती हो? नहीं, उससे मेरे पेट में दर्द होता है और वाइन पीने के बाद मैं थोड़ी ज्यादा बोलने लगती हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। आपको पता है मैं इतने टेस्टी मीट को क्या बुलाती हूँ? नहीं रहने दो, आप मेरा मजाक उड़ाओगे। नहीं नहीं, बताओ तुम क्या बुलाती हो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पक्का। मैं इतने टेस्टी मीट को बुलाती हूँ। हाँ, बोलो बोलो। बेबिश बुलाती हूँ। क्या बोला तुमने? बेबिश? ये मेरी आदत है, मैं बचपन से ही हर टेस्टी चीज को बेबिश बुलाती हूँ। और उस्मान ने अगर आपको ऐसे कुक करते हुए देखा तो वो जेलस फील करेगा। उस्मान कौन? वो हमारे मोहल्ले में रहने वाला है और वो मीट ग्रिल करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप अयान से मिले थे ना? उस्मान उसका भाई है। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और मेरा बचपन से ही उनके घर आना जाना रहा है। और बचपन के दिन भी क्या दिन थे। लेकिन आज तो मजा ही आ गया। ठीक है, मैं प्रिंटिंग प्रोसेस करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वेरी गुड। क्या मैं वो फोटोज देख सकती हूँ? देखो सना, मैंने तुमसे कहा ना, नो वन इज अलाउड। गुड आइडिया।
डैम सलीम, कहाँ हो तुम? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हे उस्मान, हाँ? ये जो मेरी ehanish.com वाली वेबसाइट है ना, हाँ? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी एक फोटो इसके फ्रंट पेज पे लगा दूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत इम्प्रेसिव हो। क्या? मेरा मतलब अच्छे दिखते हो। हाँ। जाओ जाके देखो कौन है। मैं काम कर रही हूँ, तुम देखो। जाके देखो ना, मैं मैच देख रहा हूँ। ओह नहीं, इसे अभी इसी वक्त आना था, इतना सारा काम बिखरा पड़ा है। सनीम है क्या यहाँ पे? वेलकम। ओह, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई क्वीन ऑफ आइस घर आ गई है। प्लीज अयान, मजाक मत करो, सनीम अभी तक घर नहीं आई है, उसका जरा पता लगाओ। ठीक है, चेक करके बताती हूँ, नहीं तो उसने मुझे अभी तक एक कॉल भी नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता इस लड़की का क्या करे, आने दो से घर पे, जरा उसकी खबर लेती हूँ, कभी भी मुझे बताकर कहीं नहीं जाती, हमेशा वो घर से गायब ही रहती है। ये क्या, तुम ये क्या बोल रही हो? शायद तुम्हारे टॉर्चर की वजह से आज वो घर नहीं आई होगी, वैसे तुम टेंशन मतलब वो आ जाएगी। जस्ट स्टॉप इट, प्लीज चुप हो जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं जाकर देखता हूँ, ठीक है? पता नहीं वो कहाँ पर गई होगी। उस्मान, वो घर पर भी नहीं है, वो मिस्टर जान के साथ गई है। क्या करूँ, कितनी बार उसका मोबाइल ट्राई किया, कब से स्विच ऑफ ही है। मुझे ये बात अपने पेरेंट्स से छुपानी होगी, मैं उनको ये तो नहीं बता सकती ना कि वो अपने बॉस के साथ गई है, तुम समझ रही हो ना? क्या तुम सच में सीरियस हो? मैंने तुम्हें आज तक सनम के लिए इतना सोचते हुए नहीं देखा। मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही हूँ, मेरे डैड की तबीयत खराब हो सकती है, वो हार्ट के पेशेंट है। एनीवे, मैं घर जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ पता लगे तो प्लीज मुझे कॉल करना, बाय। अब मैं चलती हूँ। सुनो सुनो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे घर जाना होगा, गुड नाइट। तुमने देखा वो कितनी परेशानी में थी, और तुम उसे बैठने के लिए कह रहे हो? इतने भी भावुक मत बनो, उसके नखरे देखे तुमने, जाने दो उसे। अयान, ये खाओ और चुप हो जाओ, ठीक है? चुप। अब आप दरवाजा खोलो, मैं आना चाहती हूँ। अब काम हो गया है, हम लोग चल सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट डन। सुना तुमने? बैड किंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं बैड किंग हूँ? हाँ, कम ऑन। हमारा डांस बाकी है अभी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन क्या बात है, तुम्हें भी याद है? हाँ। आराम से, तुम ठीक हो सनम? Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Senim, हमें एक दूसरे को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मुझे ये कहना है कि तुम्हें जिस अल्बेट्रॉस की तलाश है ना, वो मैं हूं। Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni Senem. Almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince.
sana gönlümü verdim nasıl güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Good morning, Sanam. Good morning. Hmm? Thank you so much. Oh my God! वो मुझे मार डालेगी, मेरी मॉम। मिस्टर जान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी देर तक सो रही थी। मिस्टर जान, अब मैं क्या करूंगी? वैसे मैं एक सपना देख रही थी जिसमें मैंने आपको बैड किंग बुलाया और फिर हमने साथ में डांस भी किया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, क्या वो सब रियल था? ओह माय गॉड, अरे नहीं, डांस, म्यूजिक, बैड किंग, ये सब क्या बात है सनम। चलो तुम चेंज कर लो, मैं बाहर वेट करता हूं तुम्हारा। ऑल राइट। मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। हाँ ठीक है। आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ। थैंक यू। आराम से। ओके। मैं इसे बंद करके आता हूँ। ठीक है। हेलो। हाय मिस्टर जान, मैं मिस मैटिन की असिस्टेंट बोल रही हूँ। आपको एक ग्रोसरी शॉप की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ, कुछ पता चला? जी, ईशान नाम के मनी ब्रोकर ने ये शॉप ऑलमोस्ट फ्री में ले ली है उनसे, और उसने इसके 40,000 पे किए हैं। इसके ओनर्स इसे वापस खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा है, और उसकी क्रिमिनल फाइल पुलिस स्टेशन में है, और मुझे पता चला है कि वो अभी जेल से छूटा है। मैं तुमसे कल से ही बोलना चाह रहा था, ये ड्रेस तुम पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी है। कितनी लकी हूँ ना मैं, वहाँ पर ये एक ही ड्रेस थी और सैंडल भी मेरे साइज की थी। मैंने ही अरेंज किए थे। कैसे? हाइट 1.70 मीटर, वेट 55 kgs और शू साइज 37 है ना? हाँ। आ गया बस मेरा घर। थैंक यू फॉर मील एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। तुम आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लेट मी हेल्प यू। चली जाऊंगी।
सनीम, सनीम कहाँ? सनीम कहाँ थी तुम कल रात? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में भी। तुम्हारा फोन मिस्टर जान का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो मिस्टर जान के साथ हाथ में हाथ डालकर गायब हो गई थी। मैं बहुत टेंशन में थी दीदी, आई एम सॉरी। चुप रहो, मॉम डैड को पता नहीं लगना चाहिए। मैंने उन दोनों से कहा है कि तुम अयान के घर पर थी। तुमने मेरे लिए झूठ बोला? तुम्हारे लिए नहीं हूँ, हमारे पेरेंट्स के लिए हूँ, वरना वो बेचारे टेंशन में आ जाते। I'm really sorry, दीदी। सनीम तो मिस्टर जान के साथ बाहर गई थी, उनका हाथ पकड़कर। पागल हो तुम, ऐसा अपने बॉस के साथ कौन करता है? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया था। ये लड़की, बैठो और मुझे सारी बातें डिटेल में बताओ। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगे। ऑलराइट। प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, तुम बताओ क्या हुआ। ठीक है, मिस्टर जान का एक फॉरेस्ट में कॉटेज है, वहां पर उनके कुछ फोटोज को प्रिंट करना था, इसलिए हम दोनों साथ में गए थे वहां पर। फिर उन्होंने बॉनफायर पर मीट कुक किया, हमने साथ में बहुत सी बातें की और फिर मैं सो गई थी। दैट्स ऑल। बस इतना ही? दैट्स ऑल। क्या तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो रही हो? ऐसा क्यों करूंगी मैं, वो तो एक नॉर्मल इंसान है। सनीम, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन है, ही इज रिच एंड फेमस, उसे सनीम नाम की लड़की की क्या जरूरत होगी? तुम बात को समझो जरा, तुम एक इम्पॉसिबल ड्रीम देख रही हो। मैं और मिस्टर जान बिल्कुल नहीं। सोचना भी मत, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उस बंदे की हर शहर में एक गर्लफ्रेंड है, वो एक टिपिकल हैंडसम प्ले बॉय है, वो तुम जैसी ग्रॉसर में क्या इंटरेस्ट लेगा? ये सब सीरियल्स में होता है, रियल लाइफ में ये सब कहाँ होता है? अब अपने आप को संभालो और अपने जॉब पर फोकस करो, मुझे ऑफिस में शर्मिंदा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ, है ना सनीम? नहीं समझी, प्लीज रिपीट करो ना। जल्दी से रेडी हो जाओ वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। तेईस को 30 बार जोड़ने से 80 होता है। अब 23 को 30 बार जोड़ने से 70 होता है कि ये ओफो। क्या ऑर्डर था आपका? तुमसे बात करनी थी मुझे। क्या हुआ क्या? आप कौन? तुमने एक्चुअली बहुत लोगों को परेशान किया है, और जब तुमने मुझे देखा होगा तो डर तो जरूर लगा होगा। कब एंगेजमेंट हुई तुम्हारी? तुम्हारी नजर बहुत तेज है। नहीं नहीं, दरअसल मेरी नजर तेज नहीं हुई है, बस मुझे एंगेजमेंट रिंग में काफी इंटरेस्ट आ गया है आजकल। क्या तुम आईबीयू के लिए काम करते हो? हसन ने भेजा है तुम्हें। नहीं तुम गलत हो, मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। ये शॉप तुमने 40,000 में खरीदा है, और खरीदने के दूसरे ही दिन जब ओनर ने तुमसे दुकान वापस मांगी तो तुमने इसी दुकान के उससे 1,00,000 मांगे। ये फ्री मार्केटिंग है, तुम क्या कर दोगे इसमें मेरे लिए? 60,000 का प्रॉफिट चाहते हो तुम? इतना तो एक मनी ब्रोकर भी नहीं कमाता है। तुम्हें पता है तुम कितना घटिया काम कर रहे हो? हाँ तो इससे तुमको क्या, मैं कुछ भी करूँ मैं। एक बात ध्यान से सुन लो, ये काम करने से तुम्हें 3 से 6 साल की कड़ी सजा हो सकती है, और तुमने ऐसे घटिया काम किए हैं ना कि जज तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। सुनिए सुनिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए वरना मेरे आदमी आपको गुस्सा दिलाने लगेंगे। तो अपने आदमियों की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? अरे रे 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 रे। लेकिन अब अगर कोई भी क्राइम करने की कोशिश की तो कम से कम 5 साल की सजा होगी, और जेल के अंदर सड़ोगे तुम, बेल भी नहीं मिलने वाली तुम्हें, समझ रहे हो ना तुम? और एक बार तुम्हें सजा हो गई फिर क्या होगा सोचा है तुमने? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा लाइफ टाइम इंतजार करने वाली है। तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है बताओ तो जरा। इतना ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे मालूम है ईशान। तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ, तुम इस मोहल्ले में अपने शॉप नहीं चला सकते हो, और जिससे भी तुमने ये शॉप खरीदी है ना उन्हें तुम दुकान वापस करोगे, वो भी उतनी ही रकम में, समझ में आया? और मेरी तुम्हारे लिए इस दुकान को खाली करने की आखिरी वार्निंग थी। अब ये चाबी लो और ये दुकान उसे लौटाओ जिसकी है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो फिर तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। गुड, वेरी गुड, चलता हूं। ये दुकान के मालिक के छोटी बेटी को दे देना, उसे भूख लगी होगी।
तुम रियल में हो कौन बता तो दो मुझे। तुम्हें सच याद दिलाने वाला और कोई भी नहीं। सनेम, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, जल्दी करो हम लेट हो जाएंगे। मॉम, हम जा रहे हैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। सनेम, कहाँ थी तुम? कल अधर के नहीं आई? मैं कल रात अयहान के घर पे थी। तुमने मेकअप लगाया है? वो हाँ, थोड़ा सा। सच में तुमने मेकअप लगाया? जरा मुझे भी दिखाना तो। वाओ, ब्यूटीफुल लग रही हो। अपनी आंखें ब्लिंक मत करो, तुम्हें मस्कारा लगाने की आदत नहीं है। तुम उसे वैसे ही रहने दो और वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। लेकिन ये बहुत स्टिकी है, मुझे आंखें खोलते वक्त तकलीफ हो रही है। डोंट वरी, वो ड्राई हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सोनम ने मेकअप लगाया है। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? शांत हो जाइए, मैं आपका शॉप वापस करने आया। देखो, अगर तुम हमारे साथ मजाक करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं इस वक्त मूड में नहीं हूँ। चले जाओ। जरा मैं देखूं। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखिए, ये रही आपके शॉप की चाबी। मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और वैसे भी मैं चॉकलेट्स और च्युइंगम्स नहीं बेच सकता, मेरा अपना लाइफस्टाइल ही अलग है। मैंने आपसे जितने में खरीदा था उतने में ही आपको वापस कर रहा हूँ। और हाँ, पेमेंट की कोई जल्दी नहीं है, आप कंफर्टेबल रहिए, जब जी चाय दे दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं आपसे। हाँ, और हाँ, हम आपके साथ बैठकर चाय पियेंगे, जब भी आपको मौका मिलेगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे साथ गप्पे मारने के लिए किसके पास टाइम है? चलो जाओ, जाओ ऐसे जाओ। ऑलराइट, गुड बाय, गुड बाय। ये तो कमाल हो गया। यस, हमें कांग्रेचुलेशन, हम जीत गए। लेकिन डैड, मुझे लगता है कि इसे किसी ने डराया होगा, क्योंकि आपने उसका चेहरा नहीं देखा। मैंने उसे डराया था बेटा। तुमने देखा नहीं कैसे दुम दबा करके वो यहाँ से कुत्ते की तरफ भाग गया? आज के बाद वो इस मोहल्ले में कभी नहीं दिखा देगा। शाबाश डैड। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड डरपोक है? जब मैं यंग था ना, तुम जानती नहीं हो, मैं जब ऐसे चलता था ना, पूरे मोहल्ले के सारे कुत्ते चुपचाप से चिल्लाते थे, कौन है? एक मिनट, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट। हाँ लाओ, मुझे वैसे भी भूख लगी है। और मेरा तो डाइट चल रहा है, इसलिए बाय बाय। हाँ, ठीक है, गुड बाय। चलो जल्दी तैयार होते हैं और चलते हैं हमारी ग्रोसरी शॉप में। चलो चलो चलो। कम ऑन, सब कुछ फिर से ठीक हो गया। अब हमें चलना चाहिए, लेट हो जाएंगे। हाँ चलो। जरा सुनो सनी, उसने मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम स्वीट नहीं हो। चलो भाई, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम इसमें से थोड़ी सी खा लेना, समझी? नहीं, तुम ही अपना वेट पुट ऑन कर लो, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतनी जल्दी? मैं बस चेंज करके अभी निकलता हूँ, आज वैसे भी बहुत काम है मुझे। और ज्यादा काम करोगे तो और बिजी हो जाओगे, मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास। आइलैंड, प्लीज बच्चों जैसी बातें करना बंद करो, मैं थक गया हूँ। तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है एम्बिशियस होना क्या होता है, लेकिन तुम्हारे भाई को ये बात पता है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। हाँ, मैं ये नहीं जानता हूँ। ठीक है, तुम मेरी मुसीबतें क्यों बढ़ा रही हो? तुम आखिर चाहती क्या हो, बोलो मुझे। हाँ, क्या तुम कभी नहीं समझोगे? तुम्हारा भाई बिना तुम्हारी नॉलेज के एक कैंपिंग कंप्लीट करता है, और वो भी उस लड़की के साथ। तुम्हें उस बारे में क्यूरियोसिटी क्यों नहीं हुई? पता नहीं मुझे, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो। हाँ, मैं हूँ। तुम्हारा भाई कैसे ये सब मैनेज करता है, आखिर वो करता क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें आज इन्फॉर्मेशन दूंगा, तब तुम्हें शांति मिल जाएगी ना। थैंक यू सो मच। आइलिन, तुम्हारे साथ रहना मतलब है तुम्हारे एम्बिशन को सेटिस्फाई करना, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट ना हो, इससे मुझे जरा भी खुशी नहीं मिलती है। एम्ब्रे, आइलिन, अब से जब भी तुम मेरे और मेरे भाई के बारे में कुछ बोलोगी तो मैं चाहता हूँ कि सोच के बोलो, समझ गई ना तुम? प्लीज चुप हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, समझ गए? देखिए, आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। सनम, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम ध्यान से बिना गलती किए काम करना, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ, तुम बिल्कुल मेरी तरह काम करना, समझी? तुम किसी को गलती का मौका मत देना। मैं चाय ले लेती हूँ। सनम,
आई नो यू कैन डू इट। ठीक है लैला। देखो तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ ना, हम लोगों की इतनी देर से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग पागलों की तरह बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो। यकीन करो ना मेरा, प्लीज। जो तुम लोगों ने सुना वो सब मेरी मन की बनाई हुई कहानी थी, यकीन करो। नहीं बताओ, क्या हमें लिखना है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? आई एम फाइन टू। नहीं दोस्तों, आप सब खत्म कीजिए प्लीज प्लीज। अरे यार, नहीं नहीं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, कुछ आ जाइए, शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है, आइए एक एक करके पूछिए। हां बोलो, इसको क्या पूछना है मैं बता दूं? क्या क्या क्लियर करो सब, स्टार्टिंग से बताओ। बढ़िया सवाल, सब ताली बजाओ। मुझे चाय मिलेगी? ऑफ कोर्स, ये लीजिए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, आती हूँ। हाँ तो बात ऐसी है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ, और क्या पूछोगे? अरे क्या हो गया ऐसे? What's up, Darren? मिस्टर जॉन, कल जब आप गायब हो गए थे, सलम क्या तुम बाहर जाओगी? कल हमने मिस्टर फबरी से बात करके वो सारे जॉब्स ले ली, सारे कैंपेन्स का काम अब हम संभालेंगे। मुझे वो काम नहीं करना है, तुम कैंसिल कर दो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं, आप कल सबको अचानक से छोड़ के? डैरन, देखो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ऐसे काम को लेकर। मैंने कहा ना, वो अच्छा इंसान नहीं है, आई डोंट लाइक हिम। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। मिस्टर जॉन, आई रियली कांट बिलीव दिस। मिस्टर जॉन, यहाँ मिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, हम टर्की की नंबर वन एजेंसी बन गए हैं, और आप ये कह रहे हो? No problem. I don't care. हम क्या अभी तक फैब्रिक के पैसों पर पल रहे थे? मिस्टर जॉन, मिस्टर फैब्रिक का कॉल आया था, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। नहीं गुलेज, उन्हें मना कर दो, I don't want to see him. मिस्टर जॉन, ये सब उस सनम की वजह से हो रहा है ना? आई कांट बिलीव ऑल दिस। आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को मिस्टर फैब्रिक के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? स्टॉप दिस नॉनसेंस। सनम का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जॉन, इस कैंपेन के साथ इस कंपनी का फ्यूचर कनेक्टेड है। हम नए डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को इंक्रीमेंट भी मिलेगी, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। आपके फैसले से यहाँ पर काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय की लाइफ कनेक्टेड है, और आप ये बात जानते हो ना, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अगर मिस्टर अजीज यहाँ होते तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। यस, यहाँ पर काम करने वाले सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर जॉन, मिस्टर फैब्रे यहाँ आ चुके हैं। ऑल राइट, उन्हें अंदर भेज दो। नहीं आप रुक जाइए। मिस्टर जॉन, आप सबसे पहले जेजे से जाकर आप बात कर लो प्लीज। गुलिस, तुम मिस्टर फैब्रे को बिजी रखो, ठीक है? ठीक है, क्या मैं अपनी चाय पी सकता हूँ? जी जी। नहीं ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी ऐड करो। सैलरी मिल रही है ना? जी जी। हाँ बोलो। मिस्टर जॉन मिलना चाहते हैं। जी जी एक मिनट रुक जाओ, इस तरह कायर की तरह मत भागो और जाकर बात करो। चुप जी जी, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मिस्टर जॉन, वो मैंने एक छोटा सा मासूम झूठ बोला था। मैंने अपनी जॉब बचाने के लिए मिस्टर फैब्री से कहा कि आप सनम से बहुत प्यार करते हैं, आप थोड़े से जेलस हो गए, आप और सनम ठीक है, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके पास काम करके बहुत बात सुनो। जी जी जाने दीजिए, इससे मेरा रेजिग्नेशन हो जाएगा। प्लीज एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूं। जी जी। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। हेलो, क्या बात है? हेलो, अगर आप फ्री हैं तो कुछ बात कर सकता हूँ मैं आपसे? ऑफ कोर्स, मेरे केबिन में चल के बात करते हैं। चलिए चलिए। मैंने कहा था ना तुम्हें उन्हें बिजी रखने के लिए, तुमने ये क्या किया? मैं कैसे उन्हें बिजी रखती? यकीन नहीं होता बेवकूफ। ऊपर वाले का नाम लेके अब मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, ये देखो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक मिनट रुको, वो देखो उधर से थोड़ा नीचे हो गया है। कहाँ पे दिख रहा है वो? देखो उधर लेफ्ट साइड में, वहाँ पे। तुम्हें कहाँ दिख रहा है? अरे सही से देखो, वो रहा वहाँ पे। मेरे हस्बैंड का काम हमेशा परफेक्ट होता है, तुम क्या कह रही हो? तुमने ही मुझे बुलाया था ना हेल्प करने के लिए। हटो अभी, मुझे देखने दो। बस ये हो गया, देखा तुमने, मैंने इसे अच्छी तरह से ठीक कर दिया, देखा ना तुमने। हमारे यहाँ ना कोई भी सेंसिबल इंसान नहीं है।
तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए थी तो मुझे आराम से बोल सकती थी। ओ मेलहा, थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ, तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना, वरना वो चले जाएंगे तो क्या होगा? शायद किसी को तुमने रोलर्स लगाया हो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, निहात मैं चलती हूँ। बाय 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 गुड बाय गुड बाय। थैंक यू सो मच। बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाओ अंदर। उस दिन मैंने गुस्से में आकर सारा सामान फ्री में बांट दिया, पूरी शॉप खाली हो गई है। पता नहीं आखिर मुझे हो क्या गया था उस दिन। I'm sorry, नेहा, I'm sorry। नहीं नहीं मेयूकी बे, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। फिर से हम इस दुकान को पहले से भी बढ़िया और ज्यादा भर देंगे, तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, देखते जाओ। मेयूकी बे, तो अब तुम कहाँ जा रही हो? अरे यार, कुलिस जेजे कहाँ चला गया, क्या बात है? माय डियर सनीम, आज का फ्रेश टॉपिक तुम हो। जेजे ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला। लेकिन क्या बोला? ऑफ कोर्स तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो पूरी नाइट मिस्टर जान के साथ ही ना, पूरी ऑफिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम और मिस्टर जान दोनों एंगेज्ड हो, पूरा ऑफिस जानता है, और वहाँ मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड भी है, मिस पॉलिन। पता नहीं तुम्हें? मिस्टर जान की? मिस पॉलिन उनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। वो दोनों कई सालों से एक साथ है, वो अब्रॉड रहती है, तुमने देखा नहीं? सब लोग उसके बारे में जानते हैं। वो 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी में भी तो आई थी। कैन यू बिलीव दिस, वो सिर्फ एक पार्टी के लिए आई थी। नहीं मैंने नहीं देखा। हमने तुम्हारे फियांसे को भी तो नहीं देखा अभी तक। तुम्हें देखना चाहिए उन्हें। पता है मिस्टर अजीज उनकी बहुत तारीफ करते हैं, वो दोनों। क्या हुआ, बात करते करते कहाँ जा रही हो तुम? जाने दो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वो तुमसे ज्यादा आई मीन वो हमारे एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव किसी हाल में बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे साथ क्यों खेल रहे थे मिस्टर जान? अब देखो ये खिलौना क्या करता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, इतने साइलेंटली आप पीछे आ गए कि ये देखिए मेरी सेल्फी। तो क्या मुझे यहाँ आते ही चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम कोई बिजनेस कर रही हो। हाँ मैं लाइफ कोच हूँ, बस मैं यही काम करती हूँ, शायद आप जानती होंगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम्हें मुझे एक सोल्यूशन देना होगा। एक्चुअली मैं सिर्फ एडवाइस देती हूँ, सोल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है, और लाइफ कोच का काम बस होता है एडवाइस देना। ओह क्या बात है आयहान, क्या बात है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई बात है इसमें। अगर इतना ही अर्जेंट है तो हम दोनों मिलकर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एक मिनट रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको मेरी बात सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमारी शॉप हमें वापस मिल गई है, लेकिन उसमें सामान नहीं है, याद है मैंने सब कुछ फ्री में बांट दिया था। नए सामान खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए थे, है ना? मैं जानती हूँ सब कुछ, हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे होगा? मिस मैफकिबे, मेरे पास ढेर सारे आइडियाज है, आप मुझे नहीं जानती। एक मिनट रुकिए, मैं कॉल लगाती हूँ। हेलो मुजफ्फर, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। मिस मैफकिबे अब आप रिलैक्स हो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, एक मिनट आई। हाँ वो तो ठीक है आयान, पर तुम करने क्या जा रही हो ये तो बताओ। हम चाहते हैं कि हमारी सारी एजेंसी साथ मिलकर एक मोटिवेशन कैंप में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब ये हम सब एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस कैंप में कपल्स पार्टिसिपेट करें, और जितने कपल्स ज्यादा होंगे हमारा ये मोटिवेशनल कैंप काफी इफेक्टिव होगा। व्हाट डू यू थिंक? वेरी नाइस, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है? गुड। मिस्टर जान, आई एम
Really very sorry for the misunderstanding that happened last day. No problem. गलती मेरी ही थी. मैंने थोड़ा overreact कर दिया. I hope आपके और सनम के बीच सब कुछ सही हो. हाँ हाँ सब perfect है एकदम. मेरी वजह से उन्हें परेशानी हुई थी. मैं उनसे personally sorry कहना चाहता हूँ. क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनको phone कर लूँ और उनसे मेरी मुलाकात हो सके if you say. हाँ. एक मिनट उसे कॉल करती हूँ. मेरे पास उसका नंबर नहीं है. मैं गुलीस को कॉल करती हूँ. हेलो गुलीस, सनम तुम्हारे साथ है? सनी हाँ हाँ मेरे साथ है. तुम प्लीज उसे मिस्टर जॉन के रूम में भेज दो अभी. मिस्टर जॉन तुम्हें बुला रहे हैं अभी. मैं वहाँ नहीं जाऊंगी. वो नहीं आ रही. क्या मतलब क्या बोल रही हो? कौन नहीं आ रहा सनम? उसे कहो ये बहुत ही अर्जेंट है. इट्स अर्जेंट. मैं नहीं जाऊंगी. वो नहीं आएगी. मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ. जल्दी भेजो. लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए. लाओ फोन मुझे दो. लाओ तुम फोन मुझे दो. हेलो सनम क्या तुम मेरे कैबिन में आओगी अभी? मैं नहीं आऊंगी. क्या मतलब है इसका? ठीक है मैं ही आता हूँ वहाँ पर. ठीक है एज यू विश. वो थोड़ी बहुत जिद्दी है लेकिन वो बहुत ही स्वीट गर्ल है. इटालियन स्टाइल वाला पैशनेट लव है. हाँ बिल्कुल. वैसे यहाँ सारे एम्प्लॉयज बहुत ही कूल है लेकिन आज उन्हें पता नहीं था कि आप ऑफिस आने वाले हैं. सनम मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? कहाँ हो सकती हूँ मैं? मैं यहाँ काम करने आती हूँ ना, तो बस काम कर रही हूँ. सनम तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो? रियली? आपने तो मुझे डरा ही दिया. देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं. क्या करोगे आप? मुझे फायर कर दोगे ना? कर दीजिए. वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली. मैं रिजाइन कर रही हूँ. इनफ इज इनफ. समझे आप? क्या चल रहा है? आर यू फाइन? मैं ठीक हूँ. और आप? हाँ आई एम फाइन टू. चलो मेरे साथ चलो. मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन आप ये क्या कर रहे हैं? चलो मिस्टर जॉन. मिस्टर जॉन एक मिनट रुको प्लीज. सनम मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट अंडरस्टैंड तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की. फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों ऐसे बात कर रही हो? क्या कर दिया? मुझे क्या पता. गलत गलत सब कुछ गलत है आपके बारे सब में. सब कुछ गलत है मतलब क्या है? तुम्हारा सब कुछ गलत है? हाँ सब कुछ गलत है आपके बारे में. अच्छा मेरे बारे में हर बात गलत है? तो मेरे साथ कॉटेज जाना भी कल तुम्हें बहुत गलत लगा होगा. नहीं ऐसी बात नहीं है. हमने तो सिर्फ साथ में डिनर ही किया है ना. तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है. तुम क्या बोलना चाह रही हो ना ये भी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. अपने मूड के हिसाब से कभी ये करती हो कभी वो करती हो. और ये तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग. मन किया तो पहना मन किया तो उतार दिया. क्या कहा आपने? अरे मैं तुम्हारे एंगेजमेंट रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मन करता है उसे पहनती हो और जब मन करता है उसे उतार देती हो. ये एंगेजमेंट रिंग है या फिर कोई टी शर्ट? मिस्टर जॉन ये एंगेजमेंट रिंग है मेरी. समझे आप? हाँ दिख रहा है मुझे दिख रहा है. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग बहुत एक्सपेंसिव है. ब्रावो 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 कांग्रेचुलेशंस. मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा. लेट्स मीट फॉर डिनर शैल वी? मैं डिनर के लिए रेडी हूँ पर तुम हो सनम? डिनर? यस मैं रेडी हूँ. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. कांग्रेचुलेशंस. लेट्स मीट इन इवनिंग. थैंक यू. डिनर पे मिलते हैं. ये डिनर क्यों और वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा था? हमारी एंगेजमेंट के लिए कर रहा था. आज रात तुम मैं और फैब्री तीनों सेलिब्रेट करेंगे. क्या हमारी एंगेजमेंट? लेकिन मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ. अच्छा तो क्या नाम है तुम्हारे फ्रांसे का? उस्मान. उस्मान? हाँ उस्मान इज माय फियांसे. उस्मान माय डियर आयहान तुमने मेरी स्टाइल देखी? तुमने देखा जब मैंने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखा तो वो किस तरह भाग गया? ये मुजफ्फर का स्टाइल है. हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत ही स्वीट वाले हीरो हो. लेकिन मुझे टेंशन हो रही है. हमारा प्लान काम तो करेगा ना? अगर नहीं काम किया तो क्या होगा? हाँ मुजफ्फर ये काम जरूर करेगा. आई होप सो.
सनी वो ग्लास पास करना प्लीज। क्या जो मैंने सुना वो सच है? मिस्टर फैब्री से तुमने क्या कहा कि मैं और मिस्टर जॉन लवर्स हैं? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनका ग्रेट लव है, ग्रेट लव। और साथ ही मैंने उनको प्यार भरे गाने भी सुनाए। उस जॉब को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माय डियर सिस्टर, तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी, ब्रावो। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? जे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे आज रात डिनर पर मिस्टर फैब्रिक के सामने मिस्टर जॉन की फियांसी बनकर जाना होगा। अब मैं क्या करूं? सनीम, तुम फालतू में बात को बिगाड़ रही हो। वैसे भी एक डिनर की तो बात है, तुम फैब्रिक से दोबारा कभी नहीं मिलोगी, वो तुम्हें भूल भी जाएगा। लेकिन गुलीज, मैं सिर्फ इस कंपनी के अंडर जॉब करने आई थी। पता नहीं हर रोज क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो सबके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, कल हमारे ऑफिस की छुट्टी होगी। थैंक गॉड। सनी, इस बार पक्का मेरी नौकरी जाएगी। तुम चुप रहो प्लीज। तो कल हम काम पर नहीं आएंगे और मोटिवेशनल कैंप जाएंगे। मैं नहीं जाने वाली। ये तो सही बात है, मुझे भी आजकल मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। हम सबको इस कैंप में पार्टिसिपेट करना होगा। उनकी कंपनी में कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन उनके एम्प्लॉइज कैंप ज्वाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जैसे और भी कंपनीज होंगे वहाँ पर जो मेंबर्स। जे, फैब्री ने तुम्हें ऑर्गेनाइजर अपॉइंट किया है, तो तुम पहले पहुँच के सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देना। एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एलन की भी एजेंसी होगी वहाँ पर। एंड यस, लेट्स हैव अ गुड स्लीप टुनाइट, क्योंकि कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है और हम बाकी एजेंसीज को भी दिखा देंगे दैट वी आर द बेस्ट आउट ऑफ देम। एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि आप सब अपनी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स को साथ ले आ सकते हैं। गुली, सब नोट कर लो। हाँ, तो कल कौन कौन आ रहा है? सनम, तुम्हारा फियांसे भी तो आएगा ना कल? आएगा। गुलीज, प्लीज वहां उस्मान का नाम लिखो। ये क्या, कहीं ये तुम्हारा फियांसे तो नहीं है? Çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.